सिंह जी फ्री का बिजली पानी अच्छा नहीं लग रहा आपको? है? किसने दिया? केजरीवाल ने। केजरीवाल चोर है, मुझे क्या के देगा वो? पूरा नाम आप लीजिए, अगर मनीष सिसोदिया ने बनाया हो, दिल्ली सरकार ने बनाया हो, खाली भाई साहब सफेदी कराने से स्कूल अच्छे आएगा या खुद अंदर जाए? क्यों? जब एक बात सुनो यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया अंदर क्यों गए? विश्वास, उन्होंने जरा सी आवाज उठाई चलो बाहर, भूषण जी ने आवाज उठाई चलो बाहर। तो भाई एक बात बताओ, जब अपना घर ही नहीं संभाल पाओगे, ख्वाब देखते हो हिंदुस्तान संभाल लेगा? ये कौन सा तरीका है? ख्वाब कहाँ देख रहे हैं? वो तो ये कहते थे कि भाई हमने जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, वो अमेरिका जैसे बना दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते सोते हैं, डॉक्टर मुझे आप दिखा दे, किसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मिल जाए तो मेरी गारंटी है। स्कूलों की बात आप करते हैं, मेरे साथ ज्यादा बच जाइए, सिर्फ चार कदम पर चलिए, वहां पर इनके उससे बड़ा प्यारा सा कूड़ादान लगवा दिया, जबकि यहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी की है। कहा गया जाता है अगर यहाँ से कूड़ादान हट गया तो हम तुम्हें जितने भी एमसीडी कर्मचारी सबको सस्पेंड कर देंगे। आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी फ्री का बिजली पानी अच्छा नहीं लग रहा आपको? है? किसने दिया? केजरीवाल ने। केजरीवाल चोर है, मुझे क्या के देगा वो? फ्री का तो दे रहा है, भले ही चोर है, वो चुरा के दे कैसे भी दे। सुनो सुनो, मैं आपको मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपकी जेब से चोरी की और इसकी जेब में डाल दिया? तो इनकी जेब में तो गया ना, आपकी जेब से भले ही चोरी। पहले भाई सुन तो लो, मेरे मालिक गया, लेकिन इनको भी तो नहीं मिला, मिला इनको भी नहीं। इनका कहाँ गया? इनका गया कैसे के भाई इसमें सब्सिडी बनाई और नीचे मीटर रेंट लगा दिया, उसके बाद ये रेंट लगा दिया, वो रेंट लगा दिया, फिर वहीं आ गया 210 पे। जब 210 आ गया तो 200 का मतलब ही नहीं है, फिर कैसे फ्री हो गया बताओ मुझे आप? ये पहले आरोप लगाते थे जब आंदोलन में, अन्ना के आंदोलन में बैठे थे केजरीवाल, बोलते थे ना गाड़ी होगी ना बंगला होगा और भ्रष्टाचार करते हैं नेता, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाऊंगा। बिल्कुल सही मुद्दे पाए हैं, बिल्कुल सही मुद्दे पाए हैं। केजरीवाल का तो भरोसा भगवान भी भला नहीं कर सकता, भगवान ही भला नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात क्या है, अन्ना हजारे उनका गुरु है, मानते हैं आप? जितने न्यूज चैनल वाले मानते हैं भाई अन्ना हजारे की वजह से वो आम आदमी पार्टी बनी और उनका गुरु है वो, जिसने अपने गुरु को धोखा दे दिया। यार गुरु भगवान होता है, अगर जिसने भगवान को धोखा दे दिया भैया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भ्रष्टाचार करेगा, चोरी करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, और आज ही हमारे पे अत्याचार हुआ है। ये जो फ्री की बिजली पानी है जी, ये इस भ्रष्टाचार से ही मिल रही थी क्या? क्या भाई साहब बात सुनो, बिजली पानी को छोड़ो, आप बिजली पानी तो आपने कह दिया, हमने आपको जवाब दे दिया बिजली पानी का, कि मेरी जेब से निकाल गया इसका भला, इसकी जेब से निकाल गया उसका भला। लेकिन बात क्या है, या तो केजरीवाल जी एक काम कीजिए, आप मजा तब आएगा ना कि आप दिल्ली की जनता को अपने बजट से बिजली पानी फ्री दीजिए, तब तो मजा आएगा। आप एमसीडी को पैसे देते नहीं हो, आप एमसीडी को पैसे देते नहीं हो, तीन तीन महीने का वेतन रह जाता है, बिजली वाले उनको तनख्वाह नहीं मिलती, कहाँ है ये? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा के स्तर पे अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, बीजेपी नहीं चाहती अच्छा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे आप बताइए कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा स्कूल बना दिया? एक स्कूल का नाम आप लीजिए, अगर मनीष सिसोदिया ने बनाया हो, दिल्ली सरकार ने बनाया हो, खाली भाई साहब सफेदी कराने से स्कूल अच्छे नहीं होते। सफेदी में इतने पैसे लगा दिए उन्होंने, यही तो 50-50 लाख रुपए सफेदी में लगा दिए, यही तो क्राइम है, भ्रष्टाचार इसे तो कहते हैं। आप मुझे बताइए 10x10 का कमरा, उसके अंदर डिस्टम्बर कराएंगे हम 500 रुपये का होगा, थोड़ा अच्छा पेंट कराएंगे 1000 का हो जाएगा, उसका ट्रैक्टर पेंट कराएंगे, उसका ट्रैक्टर पेंट का नाम ले दिया 10,000 रुपये हो गए, आपने कराया डिस्टम्बर है 10,000 का, आपने बिल बना दिया। तो ही नेता गए हैं, अभी क्या उम्मीद है आपको केजरीवाल से? और ये जो है देखो साहब, मजा तब आएगा ये खुद अंदर जाए। क्यों? जब एक बात सुनो यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया अंदर क्यों गया? आज मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सीएम हैं, आप मुझे बता दिया उनके पास क्या कोई डिपार्टमेंट नहीं है? है? तो ये दिल्ली का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके पास आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है? क्यों नहीं है आपको क्या? मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो मुझे जवाब। उनके पास मंत्री पूरे हैं, उनके पास मंत्री नहीं है इतने। किसके किस मंत्री? केजरीवाल के पास पूरे मंत्री हैं अलग अलग पद देने के। साहब मेरी बात सुनिए आप, मैंने क्या बोला, जो मुख्यमंत्री होता है ना, उस मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री वो मुखिया है,
जैसे हम अपने घर के मुखिया हैं, आप अपने घर के मुखिया हैं, ये अपने घर के मुखिया हैं, तो मुखिया हाँ बताइए, दिल्ली में रहते हैं, सड़कों की बात वो करते हैं, सड़कें हमने बनवाई, शिक्षा की बात, सारी बातें वो करते हैं। झूठी, आप मेरे साथ चलिए, मैं पूरा लक्ष्मी दिखाता हूँ आपको। एक भी सड़क बनवा दें, सड़क बनवाई ये वाली, कैसे? ये मेरी दुकान, यहाँ तक मेरी 8 फुट जगह थी, मेरे मालिक ने छोड़ी थी कब, इमरजेंसी में, कि कभी इमरजेंसी में आपको दिक्कत पड़े तो ये जगह हट जाए। लेकिन यहाँ के विधायक ने अपना नाला बनवाने के चक्कर में, कमीशन खाने के चक्कर के अंदर हमारी 8 फुट जगह पूरी मार्केट तोड़वा दी। वो कह रहे हैं बीजेपी दबाने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि पंजाब में जीती, उसके बाद अलग अलग जगह पर जीत रही है, एमसीडी में जीत रही है, कहते बीजेपी नहीं चाहती, फिर जीते कहीं से, कहां से? अरे भैया देखो, ऐसा है, पहलवान जब अखाड़े में आता है, लड़ाई होती है, कोई तो जीतेगा ही, ये कोई बात थोड़ी है। अब एक बात मुझे बताओ आप, एक वोट से बीजेपी जीत गई, क्यों परेशानी है उसको? दोबारा काउंटिंग करा रहे हैं, 3 बार करा ली, 4 बार करा ली, क्यों करा ली? अच्छा बताओ ना, अब क्या होगा, क्या होगा आम आदमी पार्टी का फिलहाल? देखो जी, इसका तो राम ही भरोसा है, इस्तीफे दे दिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने। अब देखो जी, ऐसा है, उनका कोई कसूर नहीं बिचार होगा। कसूर किसका है? मैं आपको कसूर में किसने बोल रहा, क्यों नहीं है इसका, इसका मनीष का, मनीष ने देखो जो भ्रष्टाचार की अलग बात है, लेकिन जो ऐसा ना, चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो, इसलिए उसने कोई भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा कि कल को मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे अपने ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे, भ्रष्टाचार होता रहे, और दूसरा भ्रष्टाचार होता है। तीसरा एक बात और भी है कि जिंदगी में मनीष सिसोदिया कभी सपना ना देखे मुख्यमंत्री बनने का, जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे सामने कोई मुख्यमंत्री का सपना ना देखे। इन्होंने फंसवा दिया क्या? ये तो आपको सबको पता है। अच्छा, ये बताओ शराब घोटाला किसने किया? शराब घोटाले से इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा, जितना पैसा कमाया सारा पंजाब लगाया, पंजाब के, पंजाब से जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं वो लोग, उससे गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है ये? अरे आपने भला करना है ना, दिल्ली शहर के अंदर गरीब लोग हैं, रहते हैं, जो कि झोपड़ी रहती हैं, जाके उनको बसाओ ना। आप एक काम करो ना, सबसे बढ़िया, आप स्कूल बना रहे हो, हम कहते हैं मत बनाओ। जो जी भाई जी, विकास वगैरह हुआ नहीं? बहुत ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ये तो मना कर रहे हैं अभी, अपनी अपनी जिसको समझ है। मेरा नाम क्या है? पहले खड़े होइए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं, ये नहीं पता, जिसे जिसे ये